सिर्फ चाय और जो दूध के बर्तन होते हैं ना उनको अच्छे से ब्रश करके ही आप इसमें लगाएं, अदरवाइज ये ठीक से क्लीन नहीं होते हैं। बाकी दूसरे बर्तन आप सिर्फ रिंस करके रख सकते हैं। और छन्नियाँ भी, जैसे ये बड़े वाले जो स्ट्रेनर्स हैं इनको भी मैंने यहाँ पे ऊपर रख दिया है। ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। और जो बड़े बर्तन रहते हैं ना उनको भी आप इस तरह से आड़ा नीचे बास्केट में रख सकते हैं। इसमें दो ब्लेड्स दिए गए हैं, एक ये ऊपर वाले बास्केट के जस्ट नीचे है और एक बॉटम में दिया गया है। उसके हेल्प से ना पूरा पानी स्प्रेड होता है और अच्छे से बर्तन जो है वो वॉश हो जाते हैं। तो मैंने रिंस लिक्विड ऐड कर दिया है। रिंस लिक्विड पूरा हफ्ते भर या 15 दिन चल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना यूज़ करते हैं। मेरा दिन में एक ही बार यूज़ होता है। और ये जो साइकिल है ना, ये 1 आवर 30 मिनट्स का साइकिल है और मैंने इकोनॉमिक सेट किया था तो ये 1 आवर 31 मिनट्स लगे। अलग अलग सेटिंग है तो उसके अकॉर्डिंग लगता है, लेकिन मोस्टली 1.5 घंटे का ये साइकिल रहता है। चाय के कप्स आप देख सकते हैं एकदम क्लीन हो गए हैं और प्लेट्स भी काफ़ी अच्छे से साफ हो गए हैं। पानी भी कंपैरेटिवली इसमें कम लगता है।